वेलकम फ्रेंड्स, द फिफ्थ पार्ट ऑफ माई सीरीज ऑफ इम्यूनो एसे। इस लेक्चर में मैं आपको एलाइजा के वेरियस टाइप्स के बारे में बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एलाइजा कैसे करते हैं और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एलाइजास? एलाइजास बेसिकली क्वालिटेटिव या फिर क्वान्टिटेटिव एलाइजास होता है। ये मेरा प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मालूम पड़ जाएगा। और जो अन्य तरीके के एलाइजास हैं वो है डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा एंड सैंडविच एलाइजा। जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एलाइजास है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एलाइजा। सो व्हाट इज डायरेक्ट एलाइजा? डायरेक्ट एलाइजा में हमारे पास एक वेल होता है। इस वेल में हमारे पास एंटीजेंस हैं और इसमें जो एंटीबॉडीज हैं उसको पहले से ही हम एंजाइम के साथ लिंक कर देते हैं। And then we incubate the antigen antibody, put the substrate and see the color. Now, हर एक level के लिए हमें अलग अलग antibodies को tag करना है, which is a very difficult process. तो this direct ELISA अभी use नहीं कर रहे हैं। Indirect ELISA में हम क्या करते हैं कि पहले step में हमारा antigens तो यहाँ पर है, पहले स्टेप में हम सीरम डालते हैं जिसमें एंटीबॉडीज एंटीजेंस के साथ बाइंड करता है। उसके बाद एक सेकेंड एंटीबॉडी डालते हैं जिसमें एंजाइम रिपोर्टिंग मॉलिक्यूल होता है। सो उसमें दो लेवल्स होते हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट एलाइजा। मतलब ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं करता, उसको सेकेंड स्टेप में जाके बाइंड करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन इनडायरेक्ट एलाइजा। तो नॉर्मली जितने भी एलाइजाज हम करते हैं they are examples of indirect ELISA. Another form of ELISA is competitive ELISA. Udaharan taur ke this is generally done when we are trying to estimate hormones. Udaharan ke taur pe ye hamare antibodies hain jo serum mein hain, right? Maan ke chalo ki yahan pe 4 hai aur isme competition hai. Competition kiske sath? वही एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेम एंटीजन लेकिन जिसमें हमने एंजाइम डाला हुआ है। इनडायरेक्ट एलाइजा में मैंने बोला था कि एंटीबॉडी जो है सेकेंडरी एंटीबॉडीज पे रिपोर्टिंग मॉलिक्यूल होता है। नाउ हियर दिस एंटीबॉडीज आल्सो अगेंस्ट दिस एंटीबॉडीज आल्सो अगेंस्ट दिस एंटीजन। ये एंटीबॉडी सीरम से आता है और ये एंटीबॉडीज हम एक्स्ट्रा डालते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम कि इस वेल में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। ये नंबर सिर्फ उदाहरण के तौर पे है, एक्चुअली नंबर ऑफ एंटीजन बहुत ज़्यादा होता है। ये मान के चलो कि इस वेल में 6 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं और इसमें पहले मैं सीरम को डालता हूँ। तो सीरम में अभी कितने एंटीबॉडीज हैं? 4। ये 4 अपने एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे। उसके बाद मैं एक्सेस ऑफ एंटीबॉडीज डाल देता हूँ जिसमें एंजाइम है। ये एंटीबॉडीज अभी यहाँ पे बाइंड करेंगे। पहले 4 साइट्स तो मेरे एंटीबॉडीज जो सीरम से आया है वो उसने ले लिया, तो बचे 2। ये 2 साइट्स पे मेरा ये एंटीबॉडीज बाइंड होगा और फिर कलर देगा, क्योंकि 2 एंजाइम्स बाइंड हैं, जो कलर आएगा थोड़ा हल्का सा होगा। Now let's look at our other situation. जब सीरम में सिर्फ एक एंटीबॉडी था तो सीरम का एंटीबॉडी तो बाइंड होगा, क्योंकि मैंने ये सेकेंड एंटीबॉडी एक्सेस में डाला हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंटीबॉडीज बाइंड हो जाएंगे। तो इसमें जब सबस्ट्रेट डालूंगा तो मेरा कलर जो है काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्पिटिशन किसके साथ हो रहा है? कॉम्पिटिशन हो रहा है एंटीबॉडी जो हमारे ब्लड से आता है और एंटीबॉडी वो जिसमें मैंने एंजाइम डाला हुआ है। अगर सीरम का एंटीबॉडी ज़्यादा है, वो ज़्यादा एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को बाइंड करेगा, तो ये वाला जो सेकेंड एंटीबॉडी है वो कम साइट्स पे बाइंड करेगा, तो कलर जो है कम रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे सीरम में एंटीबॉडीज कम है तो वो तो एक जगह पे बाइंड करेगा, जो बाकी फ्री साइट्स हैं उसमें हमारे ये सेकेंड एंटीबॉडी बाइंड करेगा और कलर ज्यादा देगा। सो इफ यू नाउ ड्रॉ अ स्टैंडर्ड कर्व, इनडायरेक्ट एलाइजा में हमारा स्टैंडर्ड कर्व राइजिंग होता है, वेर एज कॉम्पिटिटिव एलाइजा में हमारा कर्व जो है थोड़ा सा डाउन होने लगता है, क्योंकि अगर मेरा जो एंटीबॉडी है
सेकेंड एंटीबॉडी है बहुत ज़्यादा बाइंड किया है, तो उसका मतलब है कि सीरम में जो एंटीबॉडी है काफ़ी कम है। और अगर मेरा जो सेकेंडरी और एंटीबॉडी बहुत कम बाइंड करता है, तो मतलब ये सारे साइट्स जो ब्लॉक किए थे वो एंटीबॉडीज जो ब्लड से आए हैं उसने बाइंड किया है। तो दिस ग्राफ विल बिकम एन इनवर्स। और कॉम्पिटिटिव एलाइजा इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द एंटीबॉडी ऑफ द सीरम और एंटीबॉडी जो हम एक्स्ट्रा डाल के टेस्ट करते हैं। यूजुअली हार्मोन टेस्टिंग के लिए हम ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं। The last type of ELISA test is called the sandwich ELISA. अभी तक जितने भी ELISAs के बारे में मैंने बात किया था उसमें हमने ये कहा था कि हम सीरम में एंटीबॉडीज टेस्ट करना चाहते हैं कि एंटीबॉडीज है कि नहीं। नाउ सैंडविच ELISA में हम ये चेक करते हैं कि एंटीजेंस है कि नहीं। वी आर चेकिंग एंटीजेंस एंड नॉट एंटीबॉडीज, and this is classically a sandwich ELISA. Now, before I go on to explain कि ये sandwich ELISA है क्या चीज़, आपको वो बचपन की कहानी याद दिलाना चाहता हूँ जहाँ पे तीन अंधे लोग एक हाथी को पकड़ने गए। एक ने पूंछ पकड़ा और बोला कि हाथी रस्सी जैसा है। एक ने हाथी का सूंड पकड़ा और बोला ये तो सांप जैसा है। एक ने हाथी का पैर पकड़ा और बोला कि ये तो पेड़ जैसा है। राइट, नाउ दिस इज एग्जैक्टली वॉट एन एंटीजन इज। जब कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है तो उसमें कोई भी प्रोटीन है वो एक एंटीजन हम बोलते हैं। नाउ ये एक क्लासिकल प्रोटीन है। जब ये प्रोटीन हमारा बॉडी में आता है तो हमारा WBCs कभी इस पार्ट ऑफ द प्रोटीन को अटैक करता है तो कभी इस पार्ट ऑफ द प्रोटीन को अटैक करता है तो कभी इसके साइड को अटैक करता है। सो जिस साइड को भी अटैक करता है, जिस साइट पे भी हमारा एंटीबॉडी बाइंड होता है, उसको हम एपिटोप कहते हैं। नाउ टू जस्ट गिव यू द सेम इमेज इन कलर, ये वाला प्रोटीन जब हमारा बॉडी के अंदर आता है तो अलग अलग WBCs इस प्रोटीन के अलग अलग हिस्से को आइडेंटिफाई करके इसके ऊपर एंटीबॉडीज बनाता है। बिल्कुल उसी टाइप, ये है हाथी, ये हाथी का पाँव, ये हाथी का पूंछ, ये हाथी का सर। तो आपने जिस साइड को भी पकड़ा तो आपने कहा कि ये प्रोटीन तो बिल्कुल उसी टाइप का है। इन शॉर्ट, एक प्रोटीन जिसको हम एंटीजन कहते हैं उसमें बहुत सारे एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होता है जिसको हम एपिटोप कहते हैं। नाउ सैंडविच ELISA में हमें दो एपिटोप्स की ज़रूरत होती है, दो अलग अलग एपिटोप्स, दो अलग अलग एंटीबॉडीज जो अलग अलग एपिटोप्स पे बाइंड करते हैं। वंस अगेन, इन अ सैंडविच ELISA हम दो एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। एक एंटीबॉडी जिसको हम कैप्चर एंटीबॉडी कहते हैं जो कि एक एपिटोप के ऊपर रिएक्ट करता है, और दूसरा सेकेंडरी एंटीबॉडीज होता है जो कोई अलग एपिटोप के साथ रिएक्ट करता है। नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये दोनों एंटीबॉडीज हैं तो इसी प्रोटीन के अगेंस्ट, लेकिन कौन से एपिटोप इस एंटीजन के कौन से हिस्से को बाइंड करते हैं वो अलग है, अलग होना चाहिए। वही एंटीबॉडी को हम कैप्चर और कलरिंग के लिए और सेकेंडरी एंटीबॉडीज के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, जो प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं उसको हम कैप्चर एंटीबॉडी कहते हैं जो कि इस एपिटोप के साथ बाइंड किया है। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है उसमें हम रिपोर्टर मॉलिक्यूल डालते हैं, उसमें वो एंजाइम डालते हैं। ये एंजाइम वही हॉर्सराडिस परऑक्सीडेज या अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये इसी प्रोटीन को बाइंड करेगा लेकिन अलग साइट पे। आपका प्राइमरी और कैप्चरिंग एंटीबॉडी एक साइट पे बाइंड कर रहा है और आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसमें रिपोर्टर मॉलिक्यूल है, जिसमें वो एंजाइम है, वो अलग साइट पे बाइंड कर रहा है। जब ये इस तरह के दो एंटीबॉडीज होंगे हमारे पास अगेंस्ट द सेम एंटीजन, तभी जाके हम ELISA सैंडविच ELISA कर सकते हैं। नाउ हाउ डू वी डू दैट, अभी तक मैंने आपको बताया था कि ELISA वेल में हम एंटीजेंस को इमोबिलाइज करते हैं। नाउ इन दिस ELISA, इस ELISA के प्लेट पे हम जो प्राइमरी कैप्चर एंटीबॉडी है उसको इमोबिलाइज करके रखते हैं। देन वी पुट द सीरम, अगर TSH कर रहे हैं तो ये एंटी TSH एंटीबॉडी है जो कि इस एपिटोप के साथ काम कर रहा है। जब मैं सीरम डालूंगा तो जितना भी TSH है वो आके
इस प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ बाइंड कर जाएगा, राइट? क्योंकि ये एंटीबॉडी इस एपिटोप के अगेंस्ट है तो उसके साथ बाइंड करेगा, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फिक्स्ड हो जाता है। जब मैं इसको वॉश करूँगा तो ये एंटीजन नहीं निकलेगा क्योंकि ये इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड है। पहले एलाइजाज में आपको बोल रहा था कि एंटीजन नीचे फिक्स्ड है और एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड होता है और वॉशिंग स्टेप में नहीं निकलता है। अब यहाँ पर मैं ठीक उल्टा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एंटीबॉडी को मैंने फिक्स किया हुआ है, सीरम से ये एंटीजन आता है जो कि इसके साथ बाइंड कर जाता है, राइट? इसके बाद मैं सेकेंडरी एंटीबॉडीज डाल देता हूँ जिसमें मेरा रिपोर्टिंग मॉलिक्यूल है, वो आके इस साइट में बाइंड कर जाता है, राइट? ये इसलिए बाइंड करेगा क्योंकि ये एंटीजन, ये एपिटोप और ये एपिटोप अलग हैं, तो ये आराम से बाइंड करेगा। और जब ये बाइंड करेगा तो इसमें आपका एंजाइम है। अब मैं सबस्ट्रेट डालूंगा तो कलर आ जाएगा। नाउ इफ यू सी दिस, दिस इज अ सैंडविच। सैंडविच कहाँ पे? ये आपका एक ब्रेड पीस, ये आपका दूसरा ब्रेड पीस, और दोनों के बीच में जो मसाला है दैट इज द एंटीजन वी आर टेस्टिंग। तो इसीलिए इसको हम एक सैंडविच एलाइजा कहते हैं। और अगर आप ये देखोगे, दिस पार्ट ऑफ द एलाइजा जहाँ पे मेरा सेकेंडरी एंटीबॉडी है जिसमें एंजाइम है और वो रिएक्ट करके कलर दे रहा है, दिस इज समथिंग लाइक अ डायरेक्ट एलाइजा, राइट? सो दिस इज अ सैंडविच एलाइजा। दिस इज अ एलाइजा जिसमें दो एंटीबॉडीज यूज होता है, एक कैप्चर एंटीबॉडी, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी। और इस टेक्निक में, सैंडविच एलाइजा टेक्निक में, हम एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं, जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जो कॉम्पिटिटिव एलाइजर्स के बारे में बात किया, वो जनरली एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। इसमें हम एंटीजेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन माई ईमेल आई डी एट qsinbiochemistry@gmail.com। अगर आपको मेरे लेक्चर के ऊपर कोई सुझाव है या कोई सजेशंस है तो यू कैन प्लीज़ राइट टू मी। इफ़ यू फील लाइक रिक्वेस्टिंग फॉर अ लेक्चर, प्लीज़ राइट इट इन दिस ईमेल एंड आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू। थैंक यू।